ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, कोई यंग मैन लाइब्रेरी है, उसका कैश अकाउंट या आप बोल सकते हो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 दिया हुआ है। ये कैश बुक या कैश अकाउंट या बोल सकते हैं आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। इस साइड में रिसीट्स है, इधर पेमेंट है। रिसीट्स जनरली इनकम, पेमेंट जनरली एक्सपेंस। इधर एसेट्स भी हो सकता है, इधर लाइबिलिटी भी हो सकता है, जैसे कि कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये आपका ओपनिंग कैश से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग कैश पे कंप्लीट हो जाता है। रिसीट्स के रूप में देखिए एडमिशन फी, सब्सक्रिप्शन, हायर चार्ज ऑफ लेक्चर हॉल, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 5 रिसीट्स दिया है। पेमेंट में सैलरी एंड वेजेज, रेंट, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स हो गया, पोस्टेज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक, बुक्स आपका एसेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी था, इस सब का पेमेंट हुआ। लास्ट में ये क्लोजिंग कैश बच गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर का दैट इज ये ओपनिंग लिस्ट है, फर्नीचर एसेट्स, बुक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 मिला है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है इससे माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेज और रेंट है, ये सैलरी वेजेज में प्लस हो जाएगा, रेंट में प्लस हो जाएगा। एडमिशन फी ये जो था इसका 60% कैपिटलाइज हो जाएगा, 60% कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, बचा हुआ 40% इनकम माना जाएगा। ओके, फर्नीचर और बुक्स पे 6% और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर अपना ये रहा, इसका 6%। बुक्स यहाँ भी देखिए ये ओल्ड बुक्स है, ओपनिंग है, और ये देखिए परचेज किया हुआ है, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। ठीक है, हमको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल अकाउंट का यही रिक्वायरमेंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को लिखेंगे या क्रेडिट में इनकम को लिखेंगे। अगर पहला इनकम का आप बात करो तो एडमिशन फी था, एडमिशन फी में बोला था 60% कैपिटलाइज हो जाएगा, तो एडमिशन फी आपका था 3,500, तो यहाँ पे 40% लिया जाएगा, दैट इज 1,400। इसके अलावा अगला इनकम का नाम था आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में हम लोग एडवांस रीड किए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का एक केस था, सब्सक्रिप्शन था 19,500, एडवांस सब्सक्रिप्शन था आपका 600, ये हो जाएगा 18,900। इसके बाद एक इनकम था आपका हायर चार्ज ऑफ लेक्चर हॉल बाई हायर चार्ज ऑफ लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल का हायर चार्ज था आपका 2,500। मिसलेनियस था, पूरा नाम दे देते हैं, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम आपका था 350, और एक था बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका था 600। इतना आपको एक बार दिखा देते हैं, आप ये देखो एडमिशन फी 3,500, 40% को ही तो इनकम लेना था,
यहाँ 60% बोला था कैपिटलाइज्ड होगा, तो 40% इनकम लेना था तो इसका 40% लिए। सब्सक्रिप्शन 19,500, यहाँ देखिए रिसीव्ड इन एडवांस था, 600 रुपया माइनस कर दिए। लेक्चर हॉल एज इट इज, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लिए। अब एक्सपेंस की तरफ आते हैं, देखिए सैलरी वेजेज है और रेंट है, सैलरी वेजेज और रेंट में देखिए यहाँ आउटस्टैंडिंग दे रहा। ओके, एक्सपेंडिचर की तरफ ले आते हैं, टू सैलरी एंड वेजेज, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक उसी तरह ले आते हैं टू रेंट, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, सैलरी वेजेज आपका है 6,800, आउटस्टैंडिंग आपका 1,200, बाहर गया 8,000। रेंट है आपका 8,250, आउटस्टैंडिंग 750, बहार चला गया 9,000। पोस्टेज एंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, दो एक्सपेंस और मिला, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी का 1,250, इलेक्ट्रिक चार्ज का 730, 1,250, 730। आप एक बार देख लो, सैलरी वेजेज में आउटस्टैंडिंग, रेंट में आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिए, पोस्टेज ले लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, बुक्स एसेट है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट कर दिए, दो नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 कर दिए। अब डिप्रिसिएशन करेंगे, फर्नीचर का 6%, अब बुक्स का 10%। क्लियर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का 6% होगा 330, बुक्स का इसका कैलकुलेशन दिखा देंगे आपको, 4,800, ठीक है इसका कैलकुलेशन दिखा देंगे, ये प्लस कर दिए 5,130। बस अब हम लोग का अगर इनकम का टोटल बेसी आता है, आंसर इधर आया तो सरप्लस हो गया, एक्सपेंडिचर का टोटल बेसी आता है, आंसर इधर आ गया तो डेफिसिट हो गया, आंसर डेफिसिट ही समझ में आ रहा है। बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डेफिसिट, एक बार डेबिट प्लस करते हैं, इसका टोटल हुआ 24,110, माइनस करते हैं क्रेडिट की तरफ से, माइनस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 360। ओके, 24,110 इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, राइट साइड आप सारा इनकम को रिकॉर्ड कर लीजिए एडजस्टमेंट के साथ, और लेफ्ट में एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दीजिए एडजस्टमेंट के साथ, डिप्रिसिएशन भी एक्सपेंस के रूप में कंसीडर होगा। अगर इधर आंसर आता तो सरप्लस, आंसर इधर आ गया तो डेफिसिट, ठीक है। अब इसके बाद हमको बैलेंस शीट बनाना है, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट हम लोग तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम लोग को कैपिटल फंड का बैलेंस ना मिल जाए, और कैपिटल फंड का बैलेंस जानने के लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, आप देखो यहाँ लास्ट ईयर का 3 इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्नीचर
बुक्स और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों एसेट्स है। पहले इसको एसेट्स में देते हैं, फर्नीचर 5,500, बुक्स 45,000, इन्वेस्टमेंट 20,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लास्ट ईयर का ये तीन आइटम मिला, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं लास्ट ईयर का कुछ नहीं है। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, ये कैश और बैंक ही है, तो कैश एंड बैंक बोल के लिख देते हैं, अमाउंट आपका 4,500। क्लियर, यहाँ लास्ट ईयर का कुछ नहीं है, बट एक आइटम है देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700, ये प्रीवियस ईयर का था। लायबिलिटी में देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आंसर आ जाएगा इधर, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल फंड पता लग जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना बैलेंस शीट बना पाएंगे। इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नेसेसरी है, और इसको थोड़ा केयरफुल्ली अगर बनाए तो इजीली बन जाएगा। इसका टोटल आया 75,000, 74,300। ये हम लोग का एक नंबर वर्किंग हो गया। चलिए आपको बोले थे डिप्रिसिएशन का वर्किंग दिखा देंगे। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन में सबसे पहले हम आपको फर्नीचर का दिखा देते हैं। फर्नीचर हम लोग के पास 5,500 का था, 6% बोला था, 330, कोई नया परचेज नहीं किए थे। बुक्स का दिखा देते हैं, बुक्स हम लोग के पास 45,000 का था, 45,000 ओपनिंग था, 10% 4,500, नया बुक्स 6,000 का परचेज किए थे, 10%, कुछ डेट नहीं दिया था, 6 मंथ का एज्यूम कर लेंगे, 300, ये हो गया 4,800। यहां दे देते हैं, इट इज एज्यूम दैट न्यू बुक्स आर परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, हेंस डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फॉर 6 मंथ। ये एक नोट दे दिए सेफ्टी के लिए कि नया वाला बुक्स के ऊपर हम लोग 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किए। ठीक है, हम लोग का कैपिटल आया था 74,300। इसके सपोर्ट से हम लोग अपना बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल फंड का जरूरत था। क्लियर है, ये देखिए, ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कैपिटल फंड लिखे थे, कैपिटल फंड का अब अमाउंट फिलअप कर देखते हैं, 74,300। सरप्लस होने से प्लस होता है, और डेफिसिट हुआ था इसलिए माइनस कर देंगे, 360। ये हो जाएगा 73,940। इसके अलावा लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 600 था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है। अगर आपको याद हो तो सैलरी एंड वेजेज आउटस्टैंडिंग 1200 था, और रेंट 750 था, 1950। क्लियर, हम लोग के पास फर्नीचर था, फर्नीचर 5,500 का था, इसमें से डिप्रिसिएशन गया 330,5,170। हम लोग के पास बुक्स था 45, नया बुक्स आया था, एडिशन बोल के प्लस कर देंगे 6,000, ये हो गया आपका 51। इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस होगा
डेप्रिसिएशन 4800, ये हो जाएगा 46200। हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट था पहले से, इन्वेस्टमेंट था हम लोग के घर में आपका 20,000, नया इन्वेस्टमेंट प्लस किए थे, नया इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे, एडिशन आप देख लो, ये देखो इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे 3500 का, 3500, 23500। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो बैलेंस बचा था 3720, दैट इज कैश एंड बैंक 3720। अगर बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है तो हम लोग सही सही बनाए, ठीक है। एसेट का टोटल आया 78590, तो लाइबिलिटी भी होना चाहिए 78590। यहाँ पर एक चीज़ छूटा है, एडमिशन फी। अगर आपको याद हो तो एडमिशन फी 40% ऊपर गया था, तो आपका 60% यहाँ आना था, तो 60% यहाँ लेंगे, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 0 40 76 76 0 40 9 6 15 यस ओके। ये हो गया बैलेंस शीट। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।